देश में काफी कुछ एक साथ चल रहा है. इलेक्शन की डेट आ गई है. India has announced that it will vote in national elections from the 19th of April. लद्दाख में प्रोटेस्ट चल रहा है. अरविंद केजरीवाल को ईडी ने शराब घोटाले के केस में अरेस्ट कर लिया है. अरविंद केजरीवाल सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैज बीन अरेस्टेड. बच्चे अपना एग्जाम छोड़ के मैक्सटन वर्सेस एल्विश और रजत वर्सेस राजवीर की फाइट देख रहे हैं. आईपीएल भी चालू हो चुका है. Catch IPL on Jio Cinema. सब यहां और कहां. और फाइनली पहली बार देश के सामने इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा सच सामने आया है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज फाइनली सबमिटेड द इलेक्टोरल बॉन्ड डेटा टू द इलेक्शन कमीशन. इन सब में सबसे बोरिंग अगर आप न्यूज देखो तो इलेक्टोरल बॉन्ड वाली है. इसमें एसबीआई ने डेटा देखा है. 20,000 रोज है, मिलाना पड़ेगा. लेकिन ये न्यूज बाहर से जितनी बोरिंग है इसके अंदर उतना ही मसाला छिपा हुआ है. और जब इलेक्शन पास आने वाले तो ये न्यूज उतनी इम्पोर्टेंट भी हो जाती है. बात जरा शुरू से शुरू करते हैं. The Election Commission of India has uploaded the data of electoral bonds. इलेक्टोरल बॉन्ड भारतीय राजनीति में से काले धन का वर्चस्व समाप्त करने के लिए लाया गया था. जो नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्टोरल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट रखा है वो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटोर्शन रैकेट है. लोकसभा में अरुण जेटली ने जब फाइनेंस बिल 2017 प्रेजेंट किया तभी सबसे पहली बार इलेक्टोरल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट सामने आया था. फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली टुडे अनाउंस्ड द कंटूर्स ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स फॉर फंडिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. इन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन देने के लिए एक नया सिस्टम बनाया था. डायरेक्टली चेक देने की जगह बैंक जाके आपको बॉन्ड खरीदना होगा और वो आप पार्टी को दे सकते हो. पार्टी के पास 15 दिन का टाइम रहता है और वो बैंक जाके इसे एनकैश करवा सकते हैं. हर साल जनवरी अप्रैल जुलाई अक्टूबर में 10 दिनों के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड बिकते हैं और कोई भी इनको एसबीआई में जाके खरीद सकता था. पार्टीज को जो बॉन्ड मिलते इसका पैसा है, सिर्फ अपने ऑफिशियल अकाउंट में ले सकते थे और कोई भी आदमी पॉलिटिकल पार्टी बना के ब्लैक व्हाइट ना करने लगे. इसलिए वही पार्टी एलिजिबल थी जो इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर हो और जिनके पास लास्ट इलेक्शन में कम से कम 1% वोट आया हो. ये बॉन्ड्स बिकने के 15 दिन बाद एक्सपायर हो जाते थे. तो अगर किसी ने एनकैश नहीं करवाया तो ये पैसा सीधे पीएम रिलीफ फंड में चला जाता था. इसमें 1,000 से 1 करोड़ तक के टोटल 5 बॉन्ड ऑप्शन इसमें अवेलेबल थे. किस कंपनी ने टोटल कितने बॉन्ड खरीदे ये उनके एनुअल रिपोर्ट में दिख जाता था. लेकिन वो किस पार्टी को मिले ये डेटा स्पेसिफिकली पब्लिक के पास नहीं था. बॉन्ड्स आने से पहले पार्टीज को 20,000 से ऊपर की जितनी डोनेशन मिलती थी वो बताना मैंडेटरी था कि ये पैसे कहां से आ रहे हैं. लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड आने के बाद पार्टीज अपने टोटल डोनेशन को तो डिक्लेयर करती थी लेकिन किससे वो डोनेशन आ रहा है ये बताना उनके लिए मैंडेटरी नहीं था. इलेक्टोरल बॉन्ड से पहले कंपनीज अपनी अर्निंग का जो मैक्सिमम था 7.5% डोनेट कर सकती थी. लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में ये लिमिट भी हटा दी गई. पार्टीज को फॉरेन डोनेशन भी मिल सके इसलिए FCRA में भी चेंजेस किए गए. इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर RBI और इलेक्शन कमीशन शुरू से ही कंसर्न थे. ऑपोजिशन भी प्रोटेस्ट तो कर रही थी. प्रधानमंत्री जवाब दो। लेकिन CPI के अलावा हर पार्टी ने इलेक्टोरल बॉन्ड से डोनेशन लिया है. वो बात अलग है कि बाद में ये भी न्यूज आई कि 25 करोड़ रुपए CPI ने DMK से भी लिए थे. लेकिन ये बात क्लियर दिखाई देती कि इस हमाम में सारे नंगे हैं. ये सारी बातें पास्ट टेंस में मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फेब 2024 के बाद से ही इस स्कीम को बंद करने का ऑर्डर दे दिया. The Supreme Court has struck down electoral bonds. It has declared them unconstitutional. क्योंकि कोर्ट ने कहा कि इस स्कीम में मुझे बहुत प्रॉब्लम दिखती है. लेकिन अगर ऐसा है तो सवाल आता है स्कीम शुरू क्यों हुई. देखो उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी ने इसके पीछे 2 मेन रीजन दिए थे. पहला था कि 2018 से पहले पार्टीज को जो भी फंडिंग मिलती थी वो मोस्टली कैश में होती थी और इसका मतलब ये था कि इसका हिसाब किताब रखना बहुत मुश्किल था. तो ब्लैक मनी भी खूब धड़ल्ले से यहाँ पे चलता था. पॉलिटिकल पार्टी 20,000 से कम की जो डोनेशन आती थी उसको अननोन सोर्सेस के नाम पे दिखा देती थी. 2004 से 2017 के बीच में पॉलिटिकल पार्टीज को 11,000 करोड़ से भी ज्यादा की डोनेशन मिली थी और उसमें 70% के करीब यानी 8,000 करोड़ इन्होंने बता दिया कि अननोन सोर्सेस से आया है. BSP को तो 2014 से 15 के बीच में 112 करोड़ की जो टोटल डोनेशन मिली थी इन्होंने सब कह दिया अननोन सोर्सेस से आया है. सोच के देखो 20,000 से कम की कितनी डोनेशन आई होगी 112 करोड़ बनने के लिए. तो इलेक्टोरल बॉन्ड से पहले का जो सिस्टम था वो ट्रांसपेरेंट नहीं था. दूसरा रीजन अरुण जेटली ने दिया कि जो भी डोनर 20,000 से ऊपर का डोनेशन करते हैं उनका नाम यहां पर रिवील हो जाता है इसलिए उस डोनर को हैरेस करने के चांसेस बढ़ जाते हैं. हर पॉलिटिकल पार्टी किसी स्टेट में ऑपोजिशन में होती है, कहीं पे पावर में होती है, तो इससे चांसेस बढ़ जाते हैं कि अगर कोई पार्टी किसी बिजनेसमैन से नाराज हो गई या उसको कम डोनेशन मिला एक स्टेट में तो जहां जहां वो पावर में होगी वहां वहां पर वो उस बिजनेसमैन को हैरेस करना शुरू कर देगी. और ऐसा हुआ भी है. 2016 से पहले आप नोटिस करना आम आदमी पार्टी वाले अपनी वेबसाइट पर डोनर्स की पूरी लिस्ट लगाते थे लेकिन बाद में इन्होंने भी हटा दी. जब इनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों किया तो ये कहते हैं कि हमारे डोनर्स को जाके बीजेपी वाले परेशान कर रहे थे. तो फाइनली बात ये कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स की वजह से पार्टीज जो अननोन सोर्सेज वाली डोनेशन है
वो नहीं दिखा सकती, तो एक तरह से यहाँ पर ब्लैक मनी को रोकने का काम हो रहा था। और दूसरा ये था कि डोनेशन देने वालों के लिए भी बेटर था क्योंकि उनका नाम पब्लिकली रिवील नहीं हो रहा था। लेकिन अगर हम पब्लिक के साथ ट्रांसपेरेंसी की बात देखें तो इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम में बड़ी प्रॉब्लम थी। अब सरकार तो जनता से पाई पाई का हिसाब लेती है, ये भी कहती है कि भैया जनता तो भगवान है, लेकिन जब पार्टीज के डोनेशन की बात आई तो इसी भगवान से बातें छिपा ली गई कि ये पैसा आ कहां से रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड के अगेंस्ट कांग्रेस की जया ठाकुर, सीपीआईएम और एडीआर ने 2017 के अंदर सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल फाइल कर दी। ये केस 7 साल चला और 15 फरवरी को जो जजमेंट आया है वो इसी केस में आया। ये केस सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की बेंच सुन रही थी और उन्होंने यूनैनिमसली ये कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड की जो स्कीम है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कोर्ट ने एसबीआई को ये कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड को अब बेचना बंद कर दो और 12 अप्रैल 2019 से लेकर जनवरी 2024 तक के जितने भी बॉन्ड्स हैं उसका सारा डेटा 6 मार्च तक इलेक्शन कमीशन को दे दो। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 2 लिस्ट मांगी थी। एक लिस्ट में इन्होंने कहा कि बॉन्ड खरीदने वालों की जितनी भी डेट है, नाम है, जितनी भी वैल्यू का बॉन्ड उन्होंने खरीदा ये दे दो, और दूसरी लिस्ट में पॉलिटिकल पार्टीज ने जब बॉन्ड को एनकैश करवाया उनकी डेट और उनकी बॉन्ड वैल्यू इसकी डिटेल दे दो। कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से बोला कि जैसे आपको डेटा मिलता है फटाफट अपनी वेबसाइट पे इसको अपलोड कर देना। कोर्ट ने पॉलिटिकल पार्टीज से भी कहा कि जो बॉन्ड्स अभी तक 15 दिन पूरे नहीं कर पाए हैं और आपके पास पड़े हुए हैं उनको एनकैश मत करो, वो पैसा वापस डोनर्स को दे दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट का लॉजिक ये था कि पॉलिटिकल पार्टीज की जो फंडिंग की इन्फॉर्मेशन है ये पब्लिक के पास होना जरूरी है और ऐसा ना करना राइट टू इन्फॉर्मेशन के अगेंस्ट जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन देके बिजनेस वाले अपना काम निकलवाते हैं। यहाँ पे एक क्विड प्रो को की सिचुएशन बनती है। ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है कि तुम मुझे कुछ फायदा पहुंचाओ, मैं तुम्हें कुछ फायदा पहुंचाता हूं। अब ऑर्डर के हिसाब से तो एसबीआई को 6 मार्च तक सारा डेटा इलेक्शन कमीशन को देना था, लेकिन 4 मार्च को एसबीआई वाले आए और कहते हैं भैया 30 जून तक का हमें एक्सटेंशन चाहिए। अब सोच के देखो, एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट तक को बोल दिया कि भैया लंच के बाद आना, अभी हम बिजी हैं। 11 मार्च को जब इस अपील पर सुनवाई हुई तो एसबीआई के लॉयर हरीश सालवे ने कहा कि देखो हमारे पास ना डोनर और रिसीवर की इन्फॉर्मेशन बहुत अलग अलग जगह रखी है तो इनको मैच करने में हमें 3-4 महीने लग जाएंगे, इसलिए दोनों को मैच करके सबमिट करने में 30 जून तक का टाइम लगेगा। ये बात काफी इलॉजिकल है, मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन कोर्ट ने भी सुनकर कहा कि भैया हमने मैचिंग की तो बात ही नहीं करी, हमने तो खुद ही कहा है कि आप 2 लिस्ट दे दो, और इन्होंने कहा कि हम 26 दिन आपको दे चुके हैं और इतने दिन में आपने क्या ही किया है। अरे भैया आप भारत के लार्जेस्ट बैंक है, इतना सा काम नहीं कर सकते हैं क्या। कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि एक दिन के अंदर यानी 12 मार्च तक एसबीआई को सारा डेटा इलेक्शन कमीशन को देना पड़ेगा, और इसी के साथ इलेक्शन कमीशन को भी ये कह दिया कि भैया 15 मार्च शाम को 5 बजे तक ये सारा डेटा पब्लिक हो जाना चाहिए। 14 मार्च को इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पर 2 लिस्ट अपलोड कर दी। एक लिस्ट में सारे डोनर के नाम, अमाउंट, बॉन्ड खरीदने की डेट और सारी इन्फॉर्मेशन थी, और दूसरी लिस्ट में किस पार्टी ने कब इस बॉन्ड को एनकैश करवाया उसकी इन्फॉर्मेशन थी। अब ये दोनों लिस्ट को मैच करने के लिए चाहिए था यूनिक बॉन्ड नंबर, जो बॉन्ड खरीदने वाले और एनकैश करने वाले दोनों लिस्ट में अगर होता तो मैच करना आसान हो जाता, लेकिन ये नंबर एसबीआई ने दिया नहीं। तो लोगों ने एक दूसरा लॉजिक लगाना शुरू कर दिया। जब जब बॉन्ड खरीदे गए उसके अगले 15 दिन के अंदर जिस पार्टी ने बॉन्ड एनकैश करवाए तो लोगों ने मान लिया कि ये बॉन्ड उसी पार्टी को मिले होंगे। अब क्योंकि लगातार इतने सारे डोनर बॉन्ड खरीद रहे थे और पार्टी एनकैश करवा रही थी तो जो गेस वर्क था इसकी वजह से बहुत सारी फेक न्यूज निकल आई। इस पूरे इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम में सबसे ज्यादा डोनेशन दिए फ्यूचर गेमिंग, जो तमिलनाडु के एक लॉटरी किंग चलाते हैं। कहा गया कि जब इन पे ईडी की रेड हुई तो इन्होंने बहुत सारे बॉन्ड खरीदे, तो लोगों ने गेस करा कि ये सारे बॉन्ड तो ऑब्वियसली बीजेपी के पास ही गए होंगे। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक फ्यूचर गेमिंग कंपनी के खिलाफ ईडी ने 2019 में ही एक्शन शुरू कर दिया था। इन्हें फेक न्यूज निकली, मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा कैसे। लेकिन इसके अलावा एक और फेक न्यूज भी चल रही थी। लोग कह रहे थे पाकिस्तान की कंपनीज भी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद रही है। दावा किया जा रहा है कि पुलवामा हमले के बाद एक पाकिस्तानी कंपनी ने बॉन्ड खरीदकर भाजपा को चंदा दिया। अब ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के टॉपर ये नहीं सोच पाए कि पाकिस्तान में कौन सी एसबीआई की ब्रांच है जहां से लोग इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद रहे होंगे। अब ये सारी फेक न्यूज आ रही थी क्योंकि दोनों लिस्ट में जो यूनिक कोड था वो एसबीआई ने नहीं दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से इन्हें डांटा, कहा कि 21 मार्च तक यूनिक कोड वाला डेटा भी हमें चाहिए, और फाइनली एसबीआई ने ये डेटा भी सबमिट कर दिया जो कि अभी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर अवेलेबल है। अभी भी लिस्ट अलग अलग है लेकिन इन दोनों लिस्ट में एक यूनिक कोड पड़ा हुआ है। अब अगर आपको दोनों लिस्ट को मैच कराना तो बस इस यूनिक कोड को मैच कराओ, 15-20 मिनट लगते हैं इसमें। मैंने पीडीएफ डाउनलोड करी, एक्सेल में कन्वर्ट करी, गूगल शीट में खोली, वी लुकअप लगा के यूनिक कोड को मैच कराया और उसके बाद पिवट टेबल बना के सारा डेटा एनालाइज कर लिया। पिवट टेबल के बिना भी ये काम कर सकते हो आप, सिंपल फिल्टर और सर्च से हो जाता है। अब एक बार सोच के देखो, इस आधे घंटे के काम के लिए एसबीआई जून तक का टाइम क्यों मांग रहा था? क्या इसलिए कि जून तक इलेक्शन खत्म हो जाएंगे तो फिर ये न्यूज इतनी बड़ी नहीं बनेगी? सोचने वाली बात। खैर, ये दोनों ही लिस्ट के मैच हो जाने के बाद जो सारा सच था वो बाहर आ गया। लोगों ने मस्त मस्त ग्राफिक्स बनाए, मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। इसमें जो फ्यूचर गेमिंग वाली फेक न्यूज थी ना वो एक्सपोज हो गई। इलेक्टोरल बॉन्ड का सबसे बड़ा डोनर है फ्यूचर गेमिंग और इसका 40% डोनेशन जा रहा था टीएमसी के पास, 36% डीएमके, 11% वाईएसआरपी, यानी बिगेस्ट डोनर का सिर्फ 7% पैसा बीजेपी को मिला था। सेकंड बिगेस्ट डोनर है मेघा इंजीनियरिंग, इनका 54% पैसा बीजेपी को मिला, लेकिन इसके साथ ही इन्होंने बीआरएस, कांग्रेस, डीएमके, टीडीपी, वाईएसआरसीपी,
शिवसेना, यानी मतलब ऑलमोस्ट हर पार्टी को इन्होंने डोनेशन दिया। टोटल डोनेशन में ऑलमोस्ट जो आधी डोनेशन है वो सिर्फ टॉप 20 डोनर से आई है, और ये किसके पास गई है वो आपको इस चार्ट में दिखेगा। क्विक सप्लाई, एयरटेल, मदन लाल, डीएलएफ, बिरला, ये कुछ ऐसी कंपनी है जिनके 90% से ऊपर डोनेशन बीजेपी को मिले। लेकिन हल्दिया और धरीवाल, इनके 75% से ज्यादा डोनेशन टीएमसी के पास गए। उत्कल एल्यूमिनाई, एसएल माइनिंग, जिंदल, ये सारे 70% से ज्यादा पैसा बीजेडी को दे रहे थे। वेस्टर्न यूपी पावर, एमकेजी और यशोदा हॉस्पिटल जैसे डोनर्स ने 40% से ज्यादा पैसा कांग्रेस को दिया है, जबकि इनके जीतने के चांसेस तो ऑलमोस्ट जीरो है। ये सारी कंपनीज अलग अलग स्टेट में ऑपरेट करती हैं, जहां जिसके बिजनेस ज्यादा है वहां पर जिस पार्टी की सरकार है उसी को उन्होंने ज्यादा डोनेशन दिया। मतलब कि साफ है इस हमाम में सारे नंगे हैं। लेकिन ये सारे नंगे एक दूसरे की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं कि देखो उसने कपड़े नहीं पहने, इसने कपड़े नहीं पहने। अगर आप ओवर द इयर्स देखो तो कांग्रेस को नोटिस करना, जैसे ही किसी स्टेट में इनकी सरकार बनती है डोनेशन एकदम से ऊपर चली जाती है। कर्नाटका में May 23 में इनकी सरकार बनी और उसके बाद देखो कांग्रेस की डोनेशन कितनी तेजी से बढ़ी। अगर आप पार्टी वाइज ओवरऑल डोनेशन देखो तब भी नंबर वन पर तो बीजेपी आती है, जो कि काफी ऑब्वियस है क्योंकि लास्ट 10 साल में इनकी सरकार रही है, नेशनल पार्टी है, सेंट्रल के अलावा अलग अलग स्टेट में इनकी सरकार है, नेक्स्ट टर्म भी ऑलमोस्ट सर्टेन है। लेकिन सरप्राइजिंग बात है सेकंड नाम पर, यहाँ पर कांग्रेस या कोई दूसरी नेशनल पार्टी नहीं बल्कि टीएमसी का नाम आता है, जिस पार्टी को इलेक्शन कमीशन ने भी ये कह दिया है कि भैया तुम नेशनल पार्टी नहीं हो सकते, तुम्हारी सिर्फ एक स्टेट में सरकार है। वो पूरे इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में सेकंड बिगेस्ट कैसे बन गई? कुछ लोग आके क्लेम करते हैं कि ईडी सीबीआई की वजह से बीजेपी को इतना डोनेशन मिलता है, तो भैया मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोकल पुलिस और गुंडों की फौज भी आई थिंक उतनी इफेक्टिव है, क्योंकि टीएमसी के पास ईडी और सीबीआई तो बिल्कुल नहीं है, फिर भी वो सेकंड लार्जेस्ट कैसे है इस लिस्ट में। द रिडेम्पशन ऑफ बॉन्ड्स बाय द ममता बनर्जी लेड पार्टी इंक्रीज्ड आफ्टर इट वन the assembly elections in West Bengal in 2021. The TMC won the elections in May and in July 2021. It redeemed bonds totaling to 107.56 crore rupees. The figure rose to 141.92 crore rupees in October 2021 and 224 crore rupees In January 2022. अब चाहे इस इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा आपको मिले या ना मिले, लेकिन एक बात तो बड़ी क्लियर है, कोई भी कंपनी या इंडिविजुअल अपने मेहनत से कमाए पैसे को किसी को भी ऐसे डोनेट नहीं करता है, पॉलिटिकल पार्टीज को तो बिल्कुल भी नहीं करता है। इसके दो ही मेन रीजन होते हैं, या तो ग्रीड या तो डर। ग्रीड होती है कि ये पार्टी पावर में, इसको पैसे दो तो इससे प्रोजेक्ट मिलेंगे, और डर होता है जब पार्टी कहती है कि बेटा अगर पैसा नहीं पहुंचाया तो रेड करवा देंगे। और इन्हीं दोनों रीजंस को क्विड प्रो को कहा जाता है। क्विड प्रो को का मतलब होता है कि तुम मुझे फायदा पहुंचाओ और मैं तुम्हें फायदा पहुंचाऊंगा। तो पॉलिटिकल डोनेशन चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड से हो, चाहे चेक से हो, चाहे कैश से हो, हमेशा उसके पीछे एक क्विड प्रो को रहता है। उसके बिना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कोई डोनेशन एक रुपए तक की भी नहीं देता। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम है तो सबको पता है कि कहां से किसको कितना पैसा आया है। जब ये स्कीम नहीं थी तो लोग चेक से पैसा देते थे, लेकिन वो भी बैंक में ट्रैक हो जाता था, इसीलिए ज्यादातर पैसा तब भी और आज भी कैश में दिया जाता है, ब्लैक मनी में डीलिंग होती है। हाँ, इलेक्टोरल बॉन्ड की वजह से वो कैश वाला पैसा थोड़ा कम हुआ होगा, लेकिन अगर ये स्कीम बंद हुई तो फिर से ब्लैक में ही डीलिंग होगी। ये बात भी सबको बड़े अच्छे से पता है। ये पार्टीज कितनी भी बातें बता दें लेकिन जनता के सामने ट्रांसपेरेंसी इन्हें भी पसंद नहीं है। ये खुद तो देखना चाहते हैं कि इनके कॉम्पिटिटर्स को कौन पैसा दे रहा है, ताकि उसका हाथ मरोड़ के ये भी पैसा थोड़ा निकाल लें, लेकिन जनता के सामने ये भी नहीं चाहते कि बातें खुल के आए और ट्रांसपेरेंसी बने, वरना फिर जनता इनसे सवाल पूछेगी, क्विड प्रो को का नाम आएगा, देखा जाएगा कि किसी पार्टी को जिसने डोनेशन दिया क्या उसको नए प्रोजेक्ट मिले या उसके ऊपर रेड हुई थी तब वो डोनेशन दिया गया। और आप ये नोटिस करना, इस तरह की न्यूज अगले कुछ दिनों में आपको खूब दिखाई देंगी, और ये चीज आपको ऑलमोस्ट हर स्टेट में आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि जो टॉप 20 डोनर की लिस्ट मैंने आपको दिखाई थी उसमें लोकल प्लेयर जिस भी स्टेट में जहां पर जो थे वो उस स्टेट की पार्टी को सबसे ज्यादा पैसे दे रहे थे। द रूलिंग बीजू जनता दल इन ओडिशा रिसीव डोनेशंस वर्थ ₹944.5 crore थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड्स। The Aditya Birla Group topped the list of donors with ₹260 crore donation to the ruling party in Odisha through its associate companies. According to that information, the DMK, interestingly, has received ₹509 crore through electoral bonds from Lottery King Santiago Martins Future Gaming. Megha Engineering and Infrastructure is the biggest donor to the BJP with a contribution of ₹584 crore through bonds. The TMC received the highest amount of funding from Future Gaming at ₹542 crore. A best case scenario to yahi hoga ki electoral bond ko completely transparent banaya jaye. Kisne paise diye, kab paise diye, kise mile, kitne mile, sara data public ke samne available ho. Lekin unfortunate baat ye hai ki ye cheez practically impossible hai, aur agar ise transparent bana bhi diya gaya to zyada tar donors isko
को यूज नहीं करेंगे और वापस से कैश में और ब्लैक मनी में ही डीलिंग होगी। यही सच है जो बड़ी प्रैक्टिकल सी बात है। बाकी थ्योरेटिकल बातें, आइडियल बातें भी बहुत सारे लोग वीडियोस में करेंगे, आपको चेरी पिक करके डेटा दिखाएंगे। मेरा मकसद था कि मैं आपको चारों तरफ की सारी सच्चाई दिखा दूं। आई होप मैं उसमें सक्सेसफुल रहा। आपको ये वीडियो कैसा लगा लोगों के साथ शेयर करना। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।